अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं हूँ मलिक उमर। आज आप लोगों को अपशर पर अंदाज होने का तरीका बताऊँगा। अपशर पर अंदाज होने का तरीका दिखाने से पहले सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे पेज को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। तो दोस्त, हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ क्या अपशर पर अंदराज होने का तरीका। अपशर पर अंदराज होने का तरीका का क्या मतलब है? सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान जाने का ख्वाहिशमंद रखते हैं तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे छुट्टी लगवाएंगे। छुट्टी लगवाने के बाद फिर आप तमाम लोग जितने भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो अपशर पर अंदराज करेंगे। वो कैसे अंदराज करेंगे? आप अपने ही मोबाइल के अंदर जाके खुद अंदराज कर सकते हैं। किसी की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पर जाएंगे। सबसे पहले गूगल क्रोम पर खोलेंगे। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपशर डायल करना है, ABSHAR अपशर डायल कर लिया। अब उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये पेज ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखिए ऐसे ये पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपने नीचे जाना है। यहाँ पर ये देखें अदा लिखा हुआ है, जहाँ पर ये जहाज़ बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखें न्यू ट्रैवल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। अगला पेज ओपन हो गया, ये भी इधर लिखा हुआ देखें इकामा नंबर। यहाँ पे सबसे पहले इकामा नंबर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपने इकामा नंबर डाल के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने अपने इकामा नंबर डाल दिया। इसके बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। हिजरी में लिख सकते हैं और जी गोरियन में भी लिख सकते हैं। तो मैं जी गोरियन में लिखूँगा। तो ये देखें मैंने अंदराज कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर कौन सा लिखना है? मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपके इकामे पे आप लोगों ने जो सिम निकलवाई हो ना उसके ऊपर आपने ये वो नंबर आपने डायल करना है। तो यहाँ पे हम डायल करेंगे। यहाँ पे ज़ीरो नहीं डालना, आपने 5 से स्टार्ट करना है। 5953 ये मैंने नंबर डाल दिया। इसके बाद आपने ये कोड डायल करना है यहाँ पर 8766। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना आप लोगों ने। जैसे कंटिन्यू करेंगे ये सबसे पहले आगे स्टार्ट हो जाएगा। अगला पेज ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद उमर मलिक मोहम्मद असलम। ये मेरा क्योंकि छुट्टी लगा ली है मैंने तो अभी ये मेरा सारा स्टेटस शो हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला जो काम है ये देखना, सबसे पहले ये रीजन यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखा है कि आप किस शहर में रहते हो, ठीक है। मक्का, मदीना, असर, जिजान, निजरान, बाहा, जवाफ। मैं सब मक्के में, तो मैं मक्के पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने सिटी लिखनी है, कौन सी सिटी में। मक्का मुकर्रमा में मैंने मक्का मुकर्रमा पे क्लिक किया। जो जद्दा में जद्दा पे क्लिक करेंगे, तैफ पे तैफ पे क्लिक करेंगे। तो मैं मक्का मुकर्रमा में, तो यहाँ पे मैंने मक्का मुकर्रमा पे क्लिक किया है, ठीक है। मक्का मुकर्रमा करने के बाद आप लोगों ने डिपार्चर सिटी यानी कि आप कौन से मतार से जा रहे हो, मतार यानी कि एयरपोर्ट से जा रहे हो। तो मैं यहाँ से करूँगा, मैं जा रहा हूँ जद्दा किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये मैंने इसको डायल कर लिया। इसके बाद अराइवल सिटी, कौन से मुल्क जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दायर करूँगा पाकिस्तान। ये देखें ये पाकिस्तान आ गया, मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने से अगला पेज ओपन होगा। ये देखें ओहदा के ये लिखे है OTP, अभी यहाँ पे दर्ज होगा। ये OTP दर्ज करने का OTP का मतलब ये है कि जो आपने नंबर डायल किया था उसके ऊपर आपको एक कोड आएगा, वहाँ पे कोड आएगा। जो कोड आएगा वो आपने यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद तो आप अपशर पे अंदराज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी जो सिम है वो बंद है, इस वजह से मैं अगली आप लोगों को वीडियो नहीं बता सकता, ठीक है। आपको मैंने अपशर पर अंदराज होने का तरीका बता दिया है। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।